Now next one is case file, just only display kya karana hai, means check the given string ye ends with s or not. Yes, maybe small character or maybe अपर कैरेक्टर मीन इस केस में जस्ट चेक आउट क्या करना है, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग एंटर करते हो जाए इनपुट्स, यानी इसे इनपुट स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में चेक करना ओनली पोजीशन ऑफ द लास्ट कैरेक्टर, मीन अगर लास्ट कैरेक्टर एस है देन रिटर्न कराएंगे ट्रू, अगर लास्ट कैरेक्टर एस के अलावा कोई भी अदर कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो या अदर सिंबल रिप्रेजेंट हो देन जस्ट इसे रिटर्न क्या कराएंगे फॉल्स. तो इस फंक्शन से फाइनली रिटर्न क्या हुआ, आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स वन फॉल्स मीन्स जीरो. तो इस केस में रिटर्न टाइप क्या यूज करोगे, एग्जैक्टली इंटीजर टाइप. फंक्शन नेम एज एंड विद, फंक्शन नेम एज एंड विद एस, मीन इनपुट में ओनली रिक्वायर्ड क्या सिंगल एरे, इसलिए यूज क्या करोगे कैरेक्टर पॉइंटर एस और मे बी ए लाइक दैट. जस्ट इसके लॉजिक के रिगार्डिंग बात करें, लॉजिक किस टाइप से डिस्कस करेंगे, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है लाइक दैट स्ट्रिंग कंटेनिंग सम कैरेक्टर्स, इसे गिवन स्ट्रिंग की केस में वन थिंग क्लियर है, लास्ट कैरेक्टर क्या हुआ ऑलवेज नल, इसके प्रीवियस कैरेक्टर्स क्या है डजेंट मैटर. मीन इस केस में फाइनली इसे स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को विजिट करने के लिए जस्ट इटरेटिव वेरिएबल यूज करेंगे एज अ आई. तो आई के केस में फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हुआ जीरो, नेक्स्ट टाइम वन, मीन आई को जस्ट सेट किससे कराना है नल. ये सबसे पहले आपको सर्च क्या करना है पोजिशन ऑफ द नल, नल का पोजिशन इटसेल्फ क्या लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. या तो आप इस केस में रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हो एस टी आर एल ई एन, अगर आप रेडीमेड फंक्शन यूज करने में इंटरेस्टेड नहीं देना अपना खुद का लॉजिक राइट कर सकते हैं. इसे आई को सेट क्या करना है पोजिशन ऑफ द नल, देन लेकिन आपको चेक क्या करना है लास्ट कैरेक्टर, लास्ट कैरेक्टर कब होगा जस्ट प्रीवियस पोजिशन ऑफ द नल. इस नल का मीन सपोज दैट इस केस में आई का वैल्यू क्या हो चुका है, मीन आई कहाँ सेट करना नल पर, तो इसके लिए सिंपल लूप यूज कर लोगे लाइक दैट इंटीजर आई फोर, इस केस में बिगिनिंग इंडेक्स क्या है जीरो. लूप कब तक चलाना है जब तक ए ऑफ आई का वैल्यू नल नहीं हो जाता है, मीन फाइल ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल्स टू नल. नेक्स्ट वन आई प्लस प्लस, नेक्स्ट टर्मिनेटेड बाई सेमी कॉलन. फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या आएगा, इस प्लेस पर सपोज दैट मैंने कोई स्ट्रिंग पास किया है ए बी सी, देन इस प्लेस पर हो सकता है एस हो सकता है सम अदर कैरेक्टर एस स्मॉल कैरेक्टर हो सकता है और अपर केस भी, क्लियर. फाइनली जब ये लूप टर्मिनेट हुआ तो लूप के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या होगा जीरो, जीरो में क्या है नल और नॉट नल, नॉट नल कंडीशन टू. नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हो जाएगा वन, नॉट नल कंडीशन टू. आप चेक किसके लिए करा नॉट नल के लिए, अगर जैसे ही नल पास होगा नल का आज की वैल्यू क्या होगा जीरो, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जा रही है. मैंने सभी केस में कंडीशन ट्रू और फॉल्स एवरी टाइम ट्रू, केवल एक कंडीशन किस केस में फॉल्स होगा वेन एवर आई बिकम्स फाइव, जैसे ही आई का वैल्यू फाइव होगा यानी इस केस में कंडीशन कैसा हो जाएगा फॉल्स. फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, जैसे ही आई का वैल्यू फाइव हुआ देना इमीडिएटली कंडीशन कैसा होगा फॉर लूप के केस में फॉल्स, देन फॉल्स होने के जस्ट बाद आप डायरेक्टली चेक क्या करोगे मीन्स आईथ पोजिशन में सर्च करना है आई के प्रीवियस पोजिशन में, प्रीवियस पोजिशन मीन्स अगर करेंटली आई क्या रिप्रेजेंट करा फाइव तो इसका प्रीवियस पोजिशन क्या हुआ जस्ट आई माइनस वन. तो इस केस में जस्ट आप चेक क्या करोगे इफ रिटर्न ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल इक्वल स्मॉल एस, इस केस में अगर ये रिलेशन ट्रू है देन इसका मतलब क्या है मीन्स गिवन स्ट्रिंग एंड्स विद एस देन ये पर्टिकुलर रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न क्या करेगा ट्रू, ट्रू मीन्स वन. इसका रिजल्ट वन आ रहा है देन रिटर्न भी क्या हुआ वन, अगर इसका रिजल्ट फॉल्स आ रहा है देन रिटर्न क्या हुआ जीरो. दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है एस मे बी इन अपर केस, अगर एस अपर केस के फॉर्म में देन एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हो ये अप्लाइंग और ऑपरेटर अगेन और ए ऑफ आई माइनस वन इक्वल इक्वल कैपिटल एस, मीन्स अगर लास्ट में एस फाउंड हो रहा है देन ये फंक्शन रिटर्न क्या करेगा ट्रू अदरवाइज फॉल्स. देन जब भी आपको चेक करना है कोई भी स्ट्रिंग उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को टेस्ट कर लोगे, टेस्ट करने के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड क्या कर सकते हो मेन फंक्शन, मेन के रिस्पेक्ट में लॉजिक कैसे होंगे ऑलवेज सेम सेम एज प्रीवियस एग्जाम्पल्स, मीन्स मेन के केस में जस्ट प्रोवाइड क्या करेंगे स्ट्रिंग डिक्लेरेशंस और कैरेक्टर एरे डिक्लेरेशन विद मैक्सिमम रिक्वायर्ड साइज, ये मैक्सिमम साइज मैंने डिक्लेयर किया इसका है 100. देन इनपुट सबमिट करने के लिए यूज क्या करेंगे गेट्स ए, चेक करने के रिस्पेक्ट में जस्ट इफ के अंदर कॉल क्या कर सकते हैं इफ फंक्शन नेम क्या यूज किया था एंड विद, इफ एंड विद ए इस फंक्शन से रिटर्न क्या हुआ आइदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू मीन्स वन फॉल्स मीन्स जीरो,
या तो स्पेस पर ट्रू आएगा फॉल्स अगर इससे ट्रू रिटर्न हुआ तो डिस्प्ले क्या करा लेंगे प्रिंट एफ यस गिविन स्ट्रिंग इज एंड्स विद एस डिस्प्ले क्या कर रहे हैं यस अगर ये फॉल्स रिटर्न करा रहा है इसका मतलब क्या है मीन से एंड प्लेस पर फाउंड क्या हो रहा है अदर देन एस एस के अलावा कोई भी अदर कैरेक्टर देन डिस्प्ले क्या कराएंगे नो यस इज अ नॉट लास्ट कैरेक्टर प्रिंट एफ नो यह स्टाइल से आप कोई भी यूनिट फाइल में से अपने अकॉर्डिंग डिस्प्ले करा सकते हो डजंट मैटर मीन्स इस लॉजिक के थ्रू फाइनली किसी भी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं गिवन स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय यस और नॉट बट सपोज दैट इस केस में अभी तो इस केस में फिक्स हो गया इस ऑलवेज चेक किसके लिए करेगा एस के लिए बट सपोज दैट अगर आपको किसी भी मीन्स आप खुद से कैरेक्टर सप्लाई करना चाहते हो तो उस केस में जैसे मैंने इस केस में एस के लिए चेक न करके मैं एस के चेक किसके लिए करना चाहता हूँ एंड्स विद टी तो इस केस में एक और एक्स्ट्रा कैरेक्टर क्या पास कर सकते हो जाए टी इस केस में ये फंक्शन कितने आर्गुमेंट है वन आर्गुमेंट और टू आर्गुमेंट टू आर्गुमेंट इस प्रीवियस प्रोग्राम में सोच चुका जस्ट मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ इस अगर आपको कैरेक्टर में से इस केस में प्रीवियस एग्जांपल फिक्स हो चुका था एवरी टाइम चेक किसके लिए करेगा ओनली फॉर एंड विद एस अगर आपको एंड विद कैरेक्टर मैन्युअली खुद से पास करना है तो इस केस में एक और आर्गुमेंट क्या लोगे जाए कैरेक्टर है सी एच नेक्स्ट वन एस से कंपेयर न करके ए ऑफ आई माइनस वन एवरी टाइम कंपेयर किससे करा हुए वेरिएबल सी एच से सी एच के केस में कोई भी मैनुअल कैरेक्टर सप्लाई करना पॉसिबल है प्लस यहाँ आपको अपर केस के लिए टेस्ट करने की जरूरत नहीं ओनली एक ही केस अप्लाई करेंगे सी एच अगर अपर केस है तो कंपेरिजन किसके लिए हो अपर के लिए सी एच का वैल्यू होगा लोअर केस रिप्रेजेंट करा था कंपेरिजन किसके लिए हो लोअर केस सफिशियंट क्लियर